हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कच्चू का पत्ता का चॉप रेसिपी लेके आ गए हैं। जो कच्चू का पत्ता को मैंने अच्छे तरीके से, वो जो मोटा वाला डंडी होता है उसे काट के हटा रही हूँ। उसके बाद मैं इसे धो लूँगी अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं इसमें गोल मरीच, जीरा, सूखा मिर्ची, लहसुन की कलियां ले ली हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिक्सी में पीस लेना है। उसका चना दाल, अरवा चावल को अलग पीस के तैयार कर लेना है। धो के से उसको पीसना है। इसे पीस के अलग रखना है। देखिए कितना अच्छा पीस के बैटर तैयार हो चुकी है। अब ये जो मसाला निकाल के रखे हुए थे इसे भी पीस के तैयार कर लेना है। और ये जो चावल और दाल का जो बैटर था उसमें जो मसाला मैंने पीस के तैयार किया था वो रख लिया। उसमें नमक, हल्दी और नंदनी का सब्जी मसाला बहुत ही टेस्टी होता है, और थोड़ा सा बेसन दे के इसे अच्छे तरीक़े से मिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो पत्ता धो के काट के तैयार किया था इसमें लगा के अच्छे तरीक़े से बारी बारी से पत्ता के ऊपर पत्ता लगा कर और इस पेस्ट को अच्छे से लगा लेना है। इसे फोल्ड कर लेना है, इसके ऊपर भी, फोल्ड के ऊपर भी लगाना है ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक पाए। और इसे चारों तरफ से मोड़ के फोल्ड करके लंबा सा उसको पीस पीस कट कर लेना है। देखिए कट करने का टाइम खुल भी रहा है। फिर उसको अच्छे तरीके से उसको बांध दिया जा रहा है पत्ते को पकड़ कर। उसके बाद जो वो जो दाल था ना, पिसा हुआ दाल और चावल का पेस्ट, उसमें थोड़ा बेसन दे के उसी में लपेट के फिर से उसे फ्राई किया जा रहा है तेल में। और ये सरसों का तेल है, और कोई तेल मत लीजिएगा। इसमें ना सरसों का तेल बहुत ही अच्छा लगता है फ्राई करने से, इसका टेस्ट आ जाता है। और ये कचरी का रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर को। ये गरम गरम भात के साथ में खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ था, आपको पता है, क्योंकि इसमें चावल को जो पीस के दिए थे ना, चना दाल को, इसलिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आप इसमें भात के साथ खा सकते हैं, और इसे आप करी भी बना सकते हैं। इसमें आप चाहे तो इसको करी बना के, ये जो बड़ी बन के तैयार हुआ है कच्चू पत्ता का, उसमें आप दे सकते हैं। पर ये ऐसे बार बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू।